दोस्तों, एक और साइडलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। इसके अंदर हम बेसिकली ये देखेंगे कि जो 2014 से लेके 2021 तक के जो भी टॉपर्स अभी तक निकले, उनके मार्कशीट आपको जो मैं एक सिर्फ एक वन शॉट में आपको प्रोवाइड करा सकूं, ताकि मैं दिखा सकूं कि आपको एक एनालाइज मिल सके कि हाँ, अगर किसी का एक आधा अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम देते हैं मेन्स में, अगर आपका एक आधा पेपर अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर ठीक ठाक नहीं गया, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा विद प्रूफ के साथ कि किस तरह से इन टॉपर्स ने जीएस में, एसए में, ऑप्शनल में और अपने इवन इंटरव्यू भी अगर खराब जाता है तो भी आपको जो है पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ, एक ऑप्टिमिस्टिक मतलब सोच के साथ आप इस वीडियो के थ्रू बाहर निकलेंगे और डेफिनेटली आपके अंदर एक नई पोटेंशियल जो है आगे आएगी। तो इसमें हम जो है 2014 से लेकर 2021 तक के करीब 8 साल के जो टॉपर्स के जो भी रैंक वन के मार्क्स को हम यहाँ पर जो है एनालिसिस अब फटाफट जो है करेंगे। जिसके अंदर अगर देखें, अगर टॉपर की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये पता चलता है 2014 में ईरा सिंगल थी, 2015 में टीना ताबी थी जो भी हाल ही में डीएम है जैसलमेर की, फिर ठीक है नंदनी के आर थी 2016 में, अनुदीप दुशेट्टी थे 2017 में, कनीष कटारिया जो थे 2018 में, तो प्रदीप सिंह थे 2019 में, शुभम कुमार जो 2020 में बिहार के एस्पिरेंट थे, और श्रुति शर्मा जो यूपी की हैं वो 2021 में जो है मतलब कि टॉपर्स निकल के आए। अब यहाँ पे आप क्लोज ऑब्जर्वेशन करना, देखो मैं आपको यहाँ पे मार्क्स आपके सामने हैं, इसमें अगर आप देखें तो ये एसए की लिस्ट है, ये जीएससी की है, GS1 की है, GS2 की है, GS3 की है, GS4 की है, ये ऑप्शनल वन की है, ये ऑप्शनल टू की है, और ये आपका इंटरव्यू की आपकी लिस्ट है, राइट। अब यहाँ पर क्लोज कॉल को ऑब्जर्व करना कि ध्यान से देखें, अगर 2014 और में अगर आप इन टॉपर्स को अगर आप देखें, थोड़ा सा आप यह देखें तो देखें इनका एक पेपर यानी कि जीएस पेपर 3 इतना कोई ठीक ठाक नहीं किया था। तो यानी कि अगर इन फ्यूचर में अगर आपका पेपर भी अगर इतना ठीक नहीं जाता तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने और सब्जेक्ट्स को जब मजबूत करके चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं इसको जो है कंपनसेट जो है कर देगा। साथ में देखें तो 162 इंटरव्यू में मैं ये कह सकता हूँ एक एवरेज स्कोर है, और मतलब ये बोल सकता हूँ नॉट बेस्ट, मतलब आप इसको बेस्ट के तौर पर तो नहीं देखते, बट 162 आप बोलते ठीक ठाक स्कोर है, मतलब 162 एक, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है ईरा सिग्नल जो है टॉप किया। इसी से टीना धाबी को देखें तो आप यहाँ पे देखें तो इनके GS2 का पेपर इनका खराब किया था, यानी कि यहाँ पे जो इनको 84 मार्क्स के आसपास मिले थे, लेकिन इन्होंने क्या किया यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को निकालने के लिए यानी इसके मार्क्स को कवर करने के लिए इन्होंने पूरे फुल पोटेंशियल के साथ इंटरव्यू की तरफ से ज्यादा जो है फोकस किया, यानी कि 195 जो इनको इंटरव्यू में जो है मिले, सच में काफी एक अच्छा स्कोर जो हमें इंटरव्यू के अंदर जो है देखने को मिलता है। इसी के जैसे नंदिनी के आर की अगर हम बात करें तो इन्होंने हालांकि इनका एसए को अगर हम देखें थोड़ा सा तो कुछ ज्यादा इन्होंने ठीक स्कोर मतलब कुछ ज्यादा खास नहीं किया था, लेकिन ओवरऑल इनका जो है हम कह सकते हैं कि एक एक्सट्रीम टॉपर के तौर पर हमें जो है ये जो है देखने को मिलती है। मैं इसके बाद भी बात करूंगा। अनुदीप शेट्टी की अगर हम बात करें तो देखिए इनका जीएस पेपर 4 इतना ठीक नहीं किया था, और हालांकि इंटरव्यू भी जो इनका सिर्फ ठीक ठाक यहाँ पे जो है गया था। इसी जैसे कनिष कटारिया का देखें तो यहाँ पर देखें तो इनका जीएस पेपर 1 यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर जीएस पेपर 1 इनका जो इतना ठीक नहीं किया था वहाँ पे, लेकिन हालांकि जो इन्होंने फिर बाद में जो इन्होंने कवर कर लिया था। इसी के जैसे अगर प्रदीप सिंह की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इनका जो है इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा जो है लैग किया था, लेकिन इन्होंने अपने एसए और साथ में लाइक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा पकड़ जो है बनाकर रखी थी। इसी के जैसे शुभम कुमार को अगर देखें तो यहाँ पर इनका जीएस पेपर 3 जो है इतना मतलब ठीक नहीं किया था, लेकिन हालांकि इन्होंने ओवरऑल जो है कमांड बना के रखी, और हालांकि इनका एसए भी जो है मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा मतलब 134 एक एवरेज स्कोर जो हमें देखने को मिलता है। इसी के जैसे श्रुति शर्मा की अगर हम बात करें तो इनका देखें तो आप इनका इंटरव्यू ठीक ठाक था, लेकिन ओवरऑल इन्होंने अगर देखें तो कहीं ना कहीं इन्होंने जीएस पेपर इसमें जीएस पेपर 1 से लेकर 4 में जो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा पकड़ जो है यहाँ पर बना के रखी थी। अब यहाँ आपको टेक अवे क्या मिलता है, टेक अवे ये मिलता है ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं आपको ऑब्जर्व देखो आप ध्यान से देखें इन लड़कों ने या इन लड़कियों ने कहीं ना कहीं एथिक्स को बहुत अच्छा स्कोर किया है। अगर आप ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं एथिक्स पे इन्होंने कमांड बनाई है, यानी कि आप देखिए दोस्तों एथिक्स क्या है, थोड़ी सी मेहनत और यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। इसमें पढ़ना कम होता है, सोचना ज्यादा होता है, तो इस कंडीशन में अगर आप अपने एथिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लें, क्योंकि एथिक्स को कवर किया जा सकता है साथ में एसे के पीछे, अगर जिस तरह से फिलोसफिकल एसे आज के समय पूछे जा रहे हैं, तो आप अपने जितने ज्यादा एसे को जितना ज्यादा आप कमांड करेंगे, एसे को जितना ज्यादा आप कमांड करेंगे उतने आपको जो है मार्क्स में काफी ज्यादा वेरिएशन जो है देखने को मिलेगा। आपको पता होगा कि रैंक वन इनकी जो अगर आई है ईरा सिग्नल की, एसे में 160 जो है लेके आई थी, और सच में बहुत अच्छा एक स्कोर जो है अगर हम बात करें तो एसए को लेके जो हमें देखने को अगर हम बोले तो हमें जो है देखने को मिलता है।
तो इस कंडीशन में ऐसे मतलब कि एक तरह से हमारे लिए एक ठीक स्कोर आपके लिए जो है हो सकता है। और एक ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें ध्यान से, तो आपको यहाँ पर ऑप्शनल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसके आफ्टर मैथ्स को जो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जिन भी टॉपर्स थे इनके ऑप्शनल में स्कोर आप ध्यान से देखें तो करीब 300 के आसपास थे। आप नोटिस करें, अगर आप थोड़ा ध्यान देखिए कैलकुलेट करें, 300 प्लस के आसपास आपको जो है मार्क्स आपको जो यहाँ पर टॉपर्स के आपको यहाँ दिखने को जो है मिलेंगे। तो यानी कि आपको कंक्लूजन ये मिला दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपको ऑप्शनल के ऊपर कमांड जो है बहुत ज्यादा बनानी पड़ेगी। देखिए इंटरव्यू ठीक ठाक चला जाए इट्स ओके, लेकिन अगर आपका ऑप्शनल बहुत अच्छे से अगर कवर हो गया, अगर आपका ऑप्शनल बहुत अच्छे से अगर कवर हो गया तो फिर डेफिनेटली आपको जो है रैंक निकालने से नहीं कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैंने कंक्लूजन यहाँ पे ये निकला, लबो लबा भी ये निकला। देखिए हम लोग क्या करते हैं, GS1 GS2 GS3 के पीछे हमेशा भागते रहते हैं नो डाउट, लेकिन आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है अपना ऐसे आप अपना इथिक्स और साथ में ऑप्शन की तरफ थोड़ा ज्यादा करें। इन चार सब्जेक्ट्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके अगर बात करें तो 1000 मार्क्स आपके कवर होते हैं। तो 750 मार्क्स से ज्यादा आप जो है इनको पहले अच्छे से कवर कर लें, फिर इनके बाद भागें इनके पीछे, तो चीजें ठीक निकलेंगी। देखिए एक सॉरी एक एनालिसिस निकालना ये एक मेरा तरफ से, हालांकि मुझे ये जो फाइल है ये मुझे इंटरनेट पे से मिली है तो वहीं से मुझे अच्छी लगी, मैंने इसके थ्रू जो है करा दी। तो इसका मैं ये फाइल मैंने नहीं बनाई है, तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि आप अच्छे से देखें कि ऐसे और साथ में एथिक्स और साथ में ऑप्शनल पे अच्छे से कमांड बनाकर रखेंगे तो डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छे से जो है स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एनालिसिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।